तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इसका जो है देखिए क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसका जो है ट्रांसअमीनेशन करते हैं, एक और अमीनो एसिड लेते हैं जिसको कहते हैं एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट। एस्पार्टिक एसिड में क्या होता है, COH NH2 रहता है और एक H, ये तो कॉमन सारे अमीनो एसिड में रहता है, और इसमें CH2 COH और रहता है। ठीक, अब इसके साथ ट्रांस एमिनेशन करेंगे तो देखिए क्या होता है। इसका ट्रांस एमिनेशन जो एंजाइम यूज करेंगे वो करेंगे एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेस। ठीक, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एलानिन ट्रांस ट्रांसफरेज या एलानिन ट्रांस एमिनेस ज्यादा सही एंजाइम का नाम होगा, क्योंकि ट्रांस एमिनेस मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अमीनो ग्रुप का, एस्पार्टिक एसिड का अमीनो ग्रुप अगर ट्रांसफर होगा यहाँ पर, और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का जो अल्फा कीटोन वाला ऑक्सीजन है यहाँ ट्रांसफर होगा, तो देखें क्या होता है। ये आपका एस्पार्टेट या एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट में अमीनो ग्रुप हटके यहाँ आ जाएगा और इसका ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। इसका ऑक्सीजन यहाँ आने पे देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, और ये COO- एज इट इज, फिर इसके बाद CH3, फिर सी डबल बॉन्ड COO-। ठीक, ये सारी चीज एज इट इज लिखी, बस यहां पर अमीनो ग्रुप के बजाय सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखिए ये क्या बना, ये बना एसिड, और कौन सा एसिड, अल्फा कीटो एसिड। अब इस एसिड का क्या नाम होगा, इसमें कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन वाला जो एसिड था जो आपने क्रेब साइकिल में पढ़ा था वो कौन सा था, याद होगा आपको अच्छे से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट। तो ये क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिटेट बन गया। और यहां पर अमीन ग्रुप आ गया, यहां पर अमीन ग्रुप आ गया, तो यहां पर क्या बना, इस कंपाउंड को हम यहां पर दिखा रहे हैं, मतलब यहां पर दिखा रहे हैं, यहां अमीन ग्रुप आ गया, COO- आ गया, CH2 CH2, फिर से हमारा क्या मिल गया, हमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो हम एक चीज देख रहे हैं बार बार कि ट्रांस एमिनेशन में हमेशा से आपको जो एसिड यूज कर रहे हो आपको वही दोबारा आपको मिल जा रहा है, जिसका नाम क्या है, ट्रांस अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो या यहां जगह नहीं थी तो इसलिए वहां पर मैंने बता दिया, तो यह है। ठीक, तो हमें जो इन पूरे प्रोसेस से हमें क्या चीज समझ में आ गई, हमें ये चीज समझ में आ गई, जितने भी सबस्ट्रेट हैं आपके क्रेब साइकिल में वो ट्रांस एमिनेशन के द्वारा हमें मिलते हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि कैसे मिल रहे हैं। देखिए हमने देख हमने क्या किया था कि एलानिन लिया था, और एलानिन से जो है हमारा क्या बन रहा था, पायरुविक एसिड, इसके ट्रांस एमिनेशन से पायरुविक एसिड बन रहा था, और हमें क्या मिल रहा था, ग्लूटामेट। और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि आपको ग्लूटामेट से ग्लूटेरिक एसिड भी मिल सकता है, आपको पाइरुवेट से एलानिन भी मिल सकता है। तो यानी कि आपको ये यहां से देखिए एकदम पता चल रहा है कि ग्लूटामेट से आपको अल्फा कीटो यानी ग्लूटेरिक एसिड मिल रहा है, तो यानी कि ये देखिए ग्लूटामेट से आपको अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मिल जाता है, एलानिन से मैंने बता ही दिया पाइरुविक एसिड मिलता है, और एस्पार्टेट भी मैंने आपको बताया कि एस्पार्टेट का ट्रांस एमिनेशन से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा था, और इससे क्या मिल रहा था हमें, यही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड भी मिल रहा था। इसी प्रकार से टायरोसिन का ट्रांस एमिनेशन में से करने से हमें फ्यूमरेट मिलता है, और वैलिन से हमें सक्सेनिल कोएंजाइम ए मिलता है। इन्हीं सारे स्ट्रक्चरों को हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ल्यूसिन से हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अच्छा हाँ, ये जो डी
डीएमिनेशन हो रहा था, ये होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और इसका ऑक्सीडेशन होता है, अमीनो ग्रुप हट जाता है, ठीक। अमीनो डीएमिनेशन हो रहा है मतलब क्या है, सिंपली अमीनो ग्रुप हट जा रहा है, तो इसको कहते हैं डीएमिनेशन। ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन इन कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारा आज का टॉपिक डीएमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन, जो कि हमारा पार्ट है आपका अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है। थैंक यू सो मच।